बहरहाल पाकिस्तान में इमरान खान और उनके समर्थकों की हालत ठीक वैसी है जैसे जंगल में किसी शिकारी के घुसने पर जानवरों की हो जाती है। फौज और आईएसआई शिकारी की तरह घूम रहे हैं और निशाने पर इमरान खान के समर्थक, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता। जान बचाने के लिए पीटीआई नेता धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, इमरान से नाता भी तोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान क्या करें, किससे नाता तोड़े, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के बड़े बड़े पोस्टर लग गए। दोनों की तस्वीरों वाले पोस्टर बैनर लेकर रैलियां निकल रही हैं। मतलब एकदम साफ है, फौज से लड़ने चला था नियाजी, अब जान की बाजी। अपनी जान के चक्कर में समर्थकों को भूल गए इमरान। फौज का ऐलान, न पार्टी बचेगी न इमरान। साथ ही साथ मैं पीटीआई से अलैदगी का ऐलान करता हूं। दिल पे पत्थर रख के मैं आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। मुझे कोई दबाव नहीं है। खान तेरे जान इसार, सब फरार सब फरार। खान तेरे जान इसार, सब फ्रॉड सब फ्रॉड। हजारों लाखों समर्थकों की भीड़ जिसके दम पर इमरान खान अपनी फौज और आईएसआई को खुलेआम ललकारते थे, वो न जाने कहां गायब है। खान के नाम का नारा लगाने वाले या तो कैद में हैं, या फरार हैं, या पार्टी से किनारा कर रहे हैं। इमरान बिल्कुल अकेले हैं, पस्त हैं और करीब करीब सरेंडर की हालत में सिर्फ ऐलान बाकी है। मुझे ये बता दे कि अच्छा माइनस वन कर दे इमरान खान को, इससे पाकिस्तान का ये फायदा है। वो भी मुझे बता दे, मैं माइनस वन होने के लिए तैयार हूं। मुल्क तो ना मेरा तबाह हो, तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। ये चाहते ही नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए, इनको पता है इलेक्शन में इन्होंने हार जाना है। सो ये जो सारा साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे, और फिर ये अपने अपनी तरह जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आ जाए। हम उधर जा रहे हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से वापसी कोई नहीं है। इमरान की बची खुची टीम उन्हें सोशल मीडिया पर शहीद की तरह पेश कर रही है। इमरान के खिलाफ 150 केस हैं और हर दूसरे दिन वो लाहौर या इस्लामाबाद में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि फौज और शहबाज सरकार ने यही ठाना है कि इमरान को पहले थकाना है फिर आउट करना है। पहले इमरान की गिरफ्तारी से समर्थकों को उकसाया, आगजनी करने वाले समर्थकों को खुली छूट दी, फौजी ठिकानों पर हमले में भी रोक टोक नहीं हुई। बाद में इस हमले को देश से गद्दारी करार दिया, इमरान और समर्थकों को फौज का दुश्मन करार दिया। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड इन एवरी मैडनेस, जो पागलपन है उसमें भी एक मेथड होता है। तो इमरान खान का जो 9 मई का और पीटीआई का मैडनेस बजाहिर नजर आती है, ये रद्द अमल नहीं था, ये मंसूबा बंदी थी। ये सब प्री प्लान मंसूबा था जिसमें चुन चुन के उन टारगेट्स का चुनाव किया गया था जिनका ताल्लुक या पाकिस्तान की सलामती से था या पाकिस्तान की तरक्की से था। तो लिहाजा 9 मई के वाकयात को एजेंसियों की कार्रवाई करार देकर इमरान खान इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग की थी, ऐसे अल्लाह मेरी ट्रेनिंग कर रहा है। कोई मुसलमान चाहे वो जितना भी नेक हो, मैंने बहुत बहुत नेक मुसलमान भी देखे हैं, किसी ने कभी ये दावा किया एक नई तरह का जो मजहब है वो हमें देखने को मिल रहा है? कोई दुनिया की रियासत ये दावा कर सकती है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? आप जानते भी हैं रियासत मदीना क्या थी? आप जानते भी हैं रियासत मदीना किन अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों ने बनाई थी? हजरत उमर फारूक की मिसाल जब आप देते थे कि वो तो अपनी एक चादर का भी हिसाब दिया, मिसाल आप उनकी देते थे, और जब आपसे आपकी चोरियों का हिसाब मांगा गया तो आप बिफर गए, आपने पूरे मुल्क को आग लगा दी। सियासतदानों को कठपुतली की तरह नचाने वाली फौज ने ऐसी चाल चली है कि इमरान को न माया मिली न राम, सत्ता में आने का ख्वाब चकनाचूर होता दिख रहा है। तो दूसरी ओर समर्थक भी खफा हैं।
पीटीआई की सीनियर नेता शिरीनी मजारी की बेटी ने तो इमरान को धो ही डाला। बहुत अफसोस अपनी वालदा के लिए हुआ कि वो हमेशा आगे आगे थी पीटीआई का दिफा करने के लिए, इमरान खान साहब का साथ देने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया जहां उनका नाम लिया। इमरान खान साहब को भी सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपनी बीवी की पड़ी हुई है, लेकिन और किसी की नहीं पड़ी हुई। मेरी वालदा को 3 दफा 1 हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा एमपीओ डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आए श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो पीटीआई जाने। पाकिस्तानी आर्मी के चाबुक का असर ऐसा है कि इमरान के समर्थक कैमरे पर गुनाह कबूल कर रहे हैं। सदर कैंट पीटीआई वार्ड 2 का सीनियर नाइट सदर हूँ। 9 मई को मैं जिना हाउस गया जहाँ पर जिला उगराव में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने पीटीआई की क्यादत के बेकाबे में आकर किया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफी का तलबगार हूँ। जो कार्यकर्ता लुके छुपे बैठे थे वो धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं, और जो जमानत पर छूटते हैं वो 2-4 घंटों में फिर पकड़ लिए जाते हैं, वो भी कैमरे के सामने बिना वारंट बिना केस। आज 7,000 से ज्यादा कारकुन हमारे गिरफ्तार है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब मुल्तान की पुलिस फिर मुझे दोबारा एक बार फिर 12 दिन में इस जेल में नजर बंद रहा और फिर गिरफ्तार करके लेकर जा रही है। मैं 9 मई के वाक्य की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, और ये रद्द अमल था इमरान खान साहब के उस अगवा की जिस तरह से भोंडे अंदाज में उनको हाई कोर्ट से किया गया। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ दोबारा आएगी। इमरान के समर्थक जो अब तक फरार थे उन्हें फौज ने मजबूर कर दिया है सरेंडर के लिए। इन्हीं में से एक हैं खदीजा शाह, जो पाकिस्तान की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं और फौजी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। आज सुबह मैं अपने आप को पुलिस की अथॉरिटीज के हवाले करने जा रही हूँ। मुझे अपनी इतनी परवाह नहीं है, बट मेरी फैमिली के साथ जो किया गया है वो मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। इन्होंने मेरे वालिद साहब, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड को आधी रात को मेरे घर में घुस के उनको अगवा किया। मेरे बच्चों के सामने मेरे हस्बैंड को रफ अप किया। पूरी फैमिली के ऊपर, हम सब के ऊपर वो रात एक टॉर्चर का सबब बनी है। माई हस्बैंड इज स्टिल इन देयर कैप्टिविटी, ही हैज़ डन नो क्राइम। इमरान के 7,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार है, 2 दर्जन बड़े नेता गिरफ्तार हैं, टीवी एंकर इमरान रियाज जैसे दर्जनों लोग लापता हैं, और लापता कार्यकर्ताओं की तादाद का तो अंदाजा ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।